Hello student, welcome back. Today's topic is effective atomic number, that is EAN rule. ये जो EAN है ये three words है, E effective, then atomic A और number के लिए है N. तो ये EAN rule क्या है देखते हैं उसका statement और उसका explanation. It is total number of electrons around the center metal ion. यानी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये जो सेंट्रल मेटल आयन है ना, ये आयन है, उसके आजू बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल है वो नंबर यानी ईए. जैसे हम इसमें ईए कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये पूरे कॉम्प्लेक्स को इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और इसके आजू बाजू में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो कैलकुलेट करेंगे, तो उसे EAN रूल कहते हैं. अब मेटल आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर स्टिल इट अटेन नेक्स्ट नोबल गैस. क्या करता है ये मेटल आयन, ये जो मेटल आयन है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है लिगैंड से, ये जो लिगैंड है उनसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. कब तक करता है, जब तक कि उसके पास स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन नहीं हो जाता. हमें नोबल गैस पता है पीरियडिक टेबल में सबसे लास्ट रखे हैं और कंप्लीटली फिल्ड शेल इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, तो वो नंबर क्या होता है, जैसे कि EAN इक्वल्स टू 18, जैसे अर्गॉन में 18 होते हैं, क्रोमियम में 36 होते हैं, 54 ज़िरॉन में, 86 रेडॉन में. तो इस तरह अगर हमारा आंसर आता है तो हम क्या कहेंगे कि यस EAN रूल इज ओबेड, EAN रूल ओबे हो गया. इफ नॉट, डू नॉट ओबे EAN रूल. अगर ऐसा नहीं होता, ये फिगर नहीं आती, 18 नहीं आती, 36 नहीं आती, 54 नहीं आती, 86 नहीं आती, तो हम क्या कहेंगे, इफ नॉट डू, इफ दे डू नॉट, द फिगर डू नॉट कम्स आउट टू बी लाइक दिस, देन द रूल इज नॉट ओबे, मींस EAN रूल इज नॉट ओबे. तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें ये जो नंबर है ये स्टेबल गैस कॉन्फिगरेशन का इस तरह आता है तो हम कहेंगे कि रूल इज ओबे, और अगर नहीं आता है तो हम कहेंगे रूल इज नॉट ओबे. तो इस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए. अब फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम EAN, z माइनस x प्लस y, आपको ये ध्यान में रखना है ये फार्मूला, एंड दिस एग्जाम में भी आता है. तो इस समय हमें ये पता रहना चाहिए कि z यानी एटमिक नंबर, जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, z इज एटमिक नंबर, वो हमें पता ही रहना चाहिए. हमने 11 के सब चैप्टर अच्छे से लिए, बेसिक चैप्टर, तो आपको वो डर करके रखना है. तो z क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर. x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय मेटल फॉर्मिंग आयन. x यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लॉस किए, वो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चल जाते हैं, और कुछ की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट भी करनी पड़ती है. तो हम देखेंगे कुछ से हमें इजिली पता चलता, कुछ के लिए कैलकुलेट करना पड़ता. y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, लिगेंड्स ने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, और लिगेंड्स ने कितने डोनेट किए कैसे पता चलता है, जितना नंबर है वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के लिगेंड देता है, ये भी हमने पहले पढ़ा है. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और वन बाय वन देखते हैं, जैसे कि CO NH3 by 6 3 minus. अब देखो ये का कॉम्प्लेक्स कैसे है, ये जो कोबाल्ट है ये ब्रैकेट के बाहर ही लिगेंड है, ये माइनस थ्री है तो इसकी ऑक्सीडेशन क्या हो जाती है, प्लस थ्री है कि नहीं, ये जो माइनस थ्री से बैलेंस है तो टोटल ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, जीरो. तो ये इस तरह से हमको ये मेटल जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होती है, और ये भी हमने पहले देखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब इसमें क्या हो जाएगा, जेड कितना है, कोबाल्ट का 27, हमने ये पढ़ा है 11 में पढ़ा है, मैंने तभी आपको बताया था कि आप ये अच्छे से 30 तक के आप अच्छे से याद करके रखो, ये बार बार काम में आने वाला है, और अभी वो काम में आ रहा है. और अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं मालूम है, एटमिक नंबर ही नहीं मालूम है, तो आप ये कितना भी आप पढ़ लो तो ये तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना. इसलिए हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए, तभी जाके उस पर हम अगला नॉलेज गेन कर सकते हैं. तो यहाँ पे जेड 27 जो कि आपको बता रहना चाहिए एटॉमिक नंबर, एक्स क्या है, प्लस 3, ये माइनस 3 है तो ये कोबाल्ट का कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा. तो ये जो एक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय मेटल फॉर्मिंग आयन, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किसने, ये हमने वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो
तो वो थ्री लिखा है यहाँ पे, थ्री इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस किए हैं, तो ऐसे हो जाता है। तो वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड, वाई क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड, जैसे कि यहाँ पे सिक्स है तो सिक्स मल्टीप्लाइड बाय टू, बहुत ईजी है ये, सिर्फ बच्चे यहाँ पे गलत हो जाते हैं और ये आपको पहले से लर्न करके रखना होता है, बस इतना ही दो ही चीजें आपको यहाँ करनी है। फॉर्मूला तो बहुत ईजी है, z माइनस एक्स प्लस वाई, आप x प्लस वाई तो इजीली ध्यान में रख सकते हैं, x प्लस वाई ओके, और z है ना एटॉमिक नंबर से x प्लस वाई को माइनस कर देना, x के ऑक्सीडेशन से मेटल का, और y क्या है लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो लिगेंड का नंबर मल्टीप्लाइड बाय टू। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं इस एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा अगर ये n 36 आता है तो ये ओवेट हो जाता है, तो हम पुट अप करके देखते हैं, 27 z की होगी ओके, माइनस थ्री, हमने ये माइनस जो फार्मूला लिखा है यहाँ पे माइनस x, तो ये माइनस थ्री हो जाएगा ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट, और y क्या हो जाएगा प्लस 12, तो इसको आप टोटल कर दो 36। अगर ये ऐसे आता है 18, 36, 54, 86 तो क्या हो गया ये रूल इज ओवेट, ज्यादातर वैल्यूज 36 या 36 से कम ज्यादा ऐसे कुछ रहेंगे, या तो ओवे होंगे या नहीं ओवे होंगे, तो ये हमको कैलकुलेट करके देखना होता है। जैसे ये एग्जांपल है, अब देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे और ये थ्री माइनस है, तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट हमें आयरन की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हमको इसी जैसे देख के नहीं पता चलती, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ये भी देखेंगे। जेड की वैल्यू एटोमिक नंबर ऑफ आयरन आपको पता है पहले हमने पढ़ा है 26 है, और x ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हमने पहले पढ़ा है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है, तो हम ऐसे इस तरह कैलकुलेट करेंगे, आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ये 6 है और Cn का कितना चार्ज है माइनस 1। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो Cn जिसे हम क्या कहेंगे चार्ज माइनस 1 है, और ये 6 इंटू 2 क्या लिखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, और एक कितना करता है चाहे वो कोई भी हो, न्यूट्रल लिगेंड हो, निगेटिवली चार्ज लिगेंड हो, अनायनिक लिगेंड, वो दो ही इलेक्ट्रॉन, इसे कंफ्यूजन मत करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस वन उसका चार्ज है इंटू 6 ओके इक्वल टू, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू ये माइनस 3 हो गया, तो अब आयरन का क्या होगा ये माइनस 6 इक्वल टू माइनस 3 इधर गया प्लस 3, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी प्लस 3 होगी। अब ये जो वैल्यू है एक्स के फॉर्मूले में पुट अप करेंगे तो 26 उसका एटॉमिक नंबर हो गया है ना, किसका आयरन का, माइनस 3 प्लस 12 कितना आंसर है 35। अब देखिए इसमें क्या होता है इट डू नॉट ओबे ईएन रूल, ये ईएन रूल ओबे नहीं कर रहा है, देखो इसमें ईएन रूल ओबे कर रहा है और इसमें नहीं कर रहा है, मैंने दोनों रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स लिए हैं, अब ज्यादा एग्जांपल्स लेने की जरूरत नहीं, आपको भी कुछ काम करना है, टीचर जितना काम कर रहा है उतना स्टूडेंट को भी काम करना है, तो ये रूल यहाँ पे ओपे हो गया 36 है, तो ये बुक में एग्जांपल्स दिए हुए कुछ बॉक्सेस में आपको एक्टिविटी दी है, तो आप कैलकुलेट करके देखिए इस तरह अगर वो स्टेबकेस कॉन्फ़िगरेशन आता है तो ओबे और नहीं आता यार देखो 35 आंसर आ गया है, यानी 36 नहीं है तो डू नॉट ओबे ये रूल। इस तरह आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, सो You understand, I hope you understand this topic.